लोकसभा चुनाव को देखते हुए आज मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर मतदान हुआ। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव आज प्रदेश के दौरे पर रहे। उन्होंने धार और खरगोन जिले में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने बीजेपी की सरकार आने का आश्वासन जताया। मोदी ने कहा कि साथियों, अब एक महीना भी नहीं बचा है, आज तीसरे चरण की वोटिंग चल रही है। विपक्ष पस्त पड़ गया था। आज तीसरे चरण के बाद इधर उधर टिमटिमाते तावे दिख रहे थे, क्योंकि पूरे देश ने ठान लिया है कि फिर इस बार मोदी सरकार। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर सीधा निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हार की हताशा में कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग एक नई अफवाह उड़ा रहे हैं कि मोदी को 400 सीटें मिल गईं तो वो संविधान बदल देगा। हार की हताशा में आजकल कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग एक नई अफवाह उड़ा रहे हैं। ये कहते हैं कि मोदी को 400 सीटें मिल गई तो वो संविधान बदल देगा। ऐसा झूठ चलाते हैं ना। ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस वालों की बुद्धि पर वोट बैंक का ताला पड़ गया है। अब इनको मैं बुद्धिमानी कहूं या न कहूं, ये भी मेरे लिए सवाल है। अरे, इनको पता होना चाहिए 2019 से 2024, ये जो 5 साल मैंने सरकार चलाई ना, और 2019 में जो आपने वोट दिया था, 2019 से 2024 मोदी के पास एनडीए एनडीए प्लस के रूप में 400 सीटों का तो समर्थन था ही था। अब ये इनको इतनी भी याद नहीं है, वो ऐसी तरह जनता ने उनको मारा है, ऐसा मारा है कि अभी तक होश नहीं आया है। ...2019 के बाद करीब करीब 300 सीटें तो एनडीए के पास थी। इसके अलावा 3-4 क्षेत्रीय पार्टियां और निर्दलीय पूरे 5 साल हमारे साथ खड़े रहे। ये सब अगर मैं मिला लूं, एनडीए प्लस का हिसाब लगा लूं, तो ये करीब करीब 400 पहुंच जाता है।